जहाँ जो कि जहाँ मकान की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, ये अरविंद केजरीवाल का वही मॉडल है। जहाँ लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल का वही मॉडल है। जहाँ लोग सीवर के लिए तड़प रहे हैं, नरेंद्र चावला जी आज आपकी एनिवर्सरी है। हकीकत आप तक की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। कितने वर्ष हो गए? 34 वर्ष हो गए। कैसा रहा अपना जीवन काल? ये ऐसे आप देख ही रहे हैं कि जब मुझे टिकट मिला तो मैंने उनके लिए उन्होंने मेरे लिए वोट मांगे, अब उनको टिकट मिला है तो मैं उनके लिए वोट मांग रहा हूँ। अभी हम मौजूद हैं वार्ड 106 में, जहाँ पे उर्मिला चावला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। आइए हम बात करेंगे पूर्व मेयर नरेंद्र चावला जी से। देखिए, पूरी मेरी इस वार्ड में भी और मुझे लगता है पूरी दिल्ली में भी जनता का अपार समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कामों को मिल रहा है, मोदी जी की नीतियों को मिल रहा है। और उसके अलावा जो दिल्ली सरकार अपने कामों में विफल रही है उसकी वजह से भी जनता में रोष है और जनता इस बार आम आदमी पार्टी को और सीएम को सबक सिखाना चाहती है। उसने हर बार इस प्रकार की गारंटियां दी हैं, अपने बहुत सारे वादे किए हैं। उसने तो बच्चों की कसम खाई थी कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मकान नहीं लूँगा, चीज़ें नहीं लूँगा, लोकपाल बिल लाऊँगा, शराबबंदी करूँगा और बहुत सारे काम उसने बताए थे, कोई किया नहीं। दिल्ली में बोला था स्कूल खोलूंगा, एक स्कूल बनाया नहीं। उसने बोला था कॉलेज खोलूंगा, एक कॉलेज खोला नहीं। उसने बोला था विश्वविद्यालय खोलूंगा, विश्वविद्यालय खोला नहीं। उसने बोला था स्पोर्ट्स का वो खोलूंगा, यूनिवर्सिटी खोली नहीं। अस्पताल बोला था, अस्पताल बनाया नहीं। दिल्ली प्रदूषित है, यमुना गंदी है, सब तरह से हर मोर्चे पर विफल रही है और अब वो फिर से एक 10 गारंटी कार्ड लाया है। और ये फिजूल की बातें वो वही किया करते हैं जो अपने विषयों से भटकाने चाहते हैं। गली गली में शराब की दुकानें खोलकर, गली गली में भ्रष्टाचार का इतना बड़ा उन्होंने कांड किया। दिल्ली जल बोर्ड फेल हो गई, बस DTC मामला बिल्कुल फेल हो गया, हर तरह से वो विफल रहे हैं। अपनी बातचीत को जारी रखेंगे चलते चलते, क्योंकि ये एक पद यात्रा हो रही है। ये जो पीछे कई दिनों से वो वायरल वीडियो हो रही है सतेंद्र जैन की, कभी मालिश कराते हुए, कभी वो भोजन खाते हुए, कभी केला खाते हुए। जेल के मंत्री हैं, वो जेल में हैं, इतने महीनों से बेल नहीं मिली, आज तक अरविंद केजरीवाल ने उनको ये निकाला नहीं है, हटाया नहीं है, मंत्री पद से उनका नवाजा हुआ है और वो जेल में अपनी मसाज करा रहे हैं डिफरेंट तरीके से, सिर की मालिश करा रहे हैं, हेड मसाज करा रहे हैं और तरह तरह के 56 प्रकार के व्यंजन खा रहे हैं। और जो आदमी है जो जेल में बंद होता है उसको क्या कैसा खाना खाना पड़ता है, किस प्रकार से रहना पड़ता है, हम सब लोग जानते हैं। और वो अपनी झूठी बात कह रहे हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट है जिससे वो मसाज करा रहे हैं, वो जेल में रेपिस्ट है, रेपिस्ट, रेप के मुकदमे में बंद है और रेप भी अपनी बिटिया का रेप किया है उसने। ऐसे व्यक्तियों से रेप में के मुकदमे में जो दर्ज हैं उनसे वो मसाज करा रहे हैं। एक सुकेश नाम का प्राणी जो उनको 50 करोड़ कह रहा मैंने दिए हैं और सबूत दे रहा है और वो कि मेरे को राज्यसभा की टिकट दी जाएगी, ये सब मामले शराब के, ये सब मामले जो ढकोसले इनके हैं, जो टिकटें बेची हैं 90 लाख की, एक राज्यसभा की टिकट बेच रहे, MP की टिकट बेच रहे, ये सब काम जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं। और दिल्ली की जनता अब बहकेगी नहीं और दिल्ली की जनता इस बार निगम में फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी को जीत आई। जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो आजकल धमका रहे हैं लोगों को, एक गुलाब सिंह की तो सेवा भी की है जनता ने और दूसरा मनीष सिसोदिया तक भी ये कह रहे हैं अगर हमें वोट नहीं दोगे तो ऐसे नरक में पड़े रहो, ऐसे ही बोल रहे हैं। उसके अलावा झूठे वर्क ऑर्डर बना के लोगों को बतला रहे हैं, 7 साल 8 साल कोई काम नहीं किया, अभी एसोसिएशनों को झूठे वर्क ऑर्डर बना के वो पेस्ट करके कि ये आपके सीवर डलेंगे पानी आएगा, ऐसे झूठे वर्क ऑर्डर बना के भी वो लोगों को दिखा रहे हैं कि हम काम करने वाले हैं।
जब 7 साल में नहीं किया तो अब क्या करोगे आप? हमारे साथ हैं दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता नैन मॉर्गन, जो कि अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नरेंद्र चावला जी, मिसेज यहाँ चुनाव मैदान में है, कैसा माहौल दिख रहा है आपको? मेरे को बहुत स्पष्ट माहौल दिख रहा है। ये जो जन समुद्र भाजपा के असंख्य कार्यकर्ताओं का है, ये अपने आप में गिन गिन के सबूत दे रहा है कि वाहेगुरु जी के आशीर्वाद से, भगवान श्री राम के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से बीजेपी दोबारा सत्ता में आने वाली है। और 106 वार्ड जनकपुरी में उर्मिला चावला जी, जब 7 तारीख को वोटों की गिनती होगी तब पूर्ण बहुमत से जनकपुरी की हर क्षेत्र में, हर बूथ पर प्रचंड बहुमत से विजयी होकर MCD में और हर सिविक सेंटर में जाने वाली है। जैसे कि केजरीवाल कह रहे हैं मैंने जो 10 गारंटी दी है उसके आगे वचन पत्र जी की मैं बात नहीं करता। मैं दोबारा कहता हूँ, मैं उनकी बात कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। जो हार रहा है वो हारे, मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का भट्टा बिठा रखा है, जहाँ जो कि जहाँ मकान की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। ये अरविंद केजरीवाल का वही मॉडल है जहाँ लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल का वही मॉडल है जहाँ लोग सीवर के लिए तड़प रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल का वही मॉडल है जहाँ लोग स्वास्थ्य के लिए तड़प रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री तो जेल में बैठकर आराम से मचा दे रहे हैं और खीरे पता नहीं क्या खा रहे हैं, और यहाँ दिल्ली की जनता स्वच्छ पानी के लिए और एक तरफ के खाने के लिए तरस रही है। ये अरविंद केजरीवाल का वही मॉडल है जहाँ जिहादियों द्वारा सरेआम हिंदुओं की हत्या हो जाती है, भगवान श्री राम का नानी के समय विरोध हो जाता है, एक मंत्री ब्रह्मा विष्णु महेश को नाम माने की शपथ दिलाता है, लेकिन वो टुच्चा मुख्यमंत्री खुद आकर कभी भगवान श्री राम के जयकारे नहीं लगाता। कहते हैं ना, मंद बुद्धि को आप कुछ बोलेंगे तो उसमें फर्क नहीं पड़ता है। वही हारे अरविंद केजरीवाल उसको 61 विधायकों का। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल का लैंडफिल साइट से MCD का लेना देना है, मैं मानता हूँ लेना देना है, वो MCD का कार्य है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी MCD स्वास्थ्य उसमें लैंडफिल साइट्स को आधा कर दिया है। लैंडफिल साइट से जो रॉ मटेरियल तैयार होता है वो दिल्ली की जनता को अनेकों चीज़ें देने के लिए किया जा रहा है। और हमें दोबारा बीजेपी, हमें उम्मीद है दिल्ली मौका देगी। 15 साल में उसे आधा कर दिया। कूड़ा, एक मिनट, कूड़ा कहाँ करेंगे आप मुझे बताइए? कूड़ा अरविंद केजरीवाल के विधायकों के मुँह में ठूसा जाएगा? कहाँ ठूसा जाएगा? एक जगह पर रखा जाएगा। मानता हूँ लैंडफिल साइट बहुत बड़ी हो गई है, लैंडफिल साइट को आधा कर रॉ मटेरियल बनाकर उसे स्पष्ट तरीके से दिल्ली की जनता के लिए हर चीज़ के लिए इस्तेमाल भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अरविंद केजरीवाल नहीं, वो तो चुनाव प्रचार में गुजरात में व्यस्त हैं। 8 साल में बड़ा दिल्ली को नोबल पुरस्कार मिल गया उनकी सरकार होने में। ये 8 साल में बड़ा नोबल पुरस्कार मिल गया दिल्ली की जनता को। 8 साल में बड़ा दिल्ली की जनता से उन्होंने तीर मरवा दिया। 8 साल में बड़ा यहाँ सड़कें स्वर्ग बन गई। 8 साल में बड़ा ये नाली का जंजाल जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी की एक नेत्री, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका घर है। ये जब ऐसा हो रखा है तो बाकी तो बहुत दूर की बात है। और अरविंद केजरीवाल को जो टुच्चे खिलौने हर जगह दिल्ली की जनता को धमका रहे हैं ना, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, चाहे वो महेंद्र यादव विकासपुरी का विधायक या फिर वो गुलाब सिंह यादव वो मटियाला का, खैर माफ़ कीजिए, गुलाब सिंह यादव को तो जनता ने पीट के भगा दिया, मैं कुछ कहने वाला हूँ नहीं, वो तो उनके खुद के कार्यकर्ता थे। लेकिन महेंद्र यादव जैसे दस कौड़ी के लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसी हरकतें ना करें साहब। हार गए, जीत गए, 5 साल बाद या जब भी चुनाव होंगे विधानसभा के, आप उनके दरवाजे के सामने खड़े होंगे, गुलाब सिंह यादव जैसा हाल होगा, याद रखिएगा। और दिल्ली की जनता को भड़काइए मत, क्योंकि 8 साल में आपने दिल्ली को कहीं लंदन नहीं बनाया है। दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित सिटी बन चुकी है। देश में सांस लेने के लिए दिल्ली में अगर कोई आएगा तो पहले उसे 10 बार अपना ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अस्थमा का मैं पेशेंट हूँ, मुझे पता है दिल्ली में कैसे सांस ली जाती है। यहाँ पर हमारी माताएं बहनें हैं, क्या दिल्ली में सांस लेने लायक जगह है? बिल्कुल नहीं है। जब ये कह रही है बिल्कुल नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं तो बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, ये अन्य जनता है, ये भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी हो सकती है, ये जनता है। आप मुझे बताइए, इनसे पूछिए, लायक ऑक्सीजन है? नहीं, बिल्कुल भी। जब दिल्ली में मेरे घर में पानी नहीं आ सकता, काला पानी हर जगह आ रहा है, तो मुझे बताइए कैसे दिल्ली की जनता सांस ले सकती है, कैसे दिल्ली की जनता स्वास्थ्य में काम कर सकती है? मोहल्ला क्लिनिक कैसे बना रखे हैं? कूड़े के घर और कूड़ेदान से कम नहीं है साहब। और दूसरी बात, दिल्ली की जनता, मेरे को आगे भी जाना है, मैं बाद में बात करूंगा आपसे, लेकिन इतना ही कहूंगा, अरविंद केजरीवाल का टुच्चे विधायक और कार्यकर्ता दिल्ली की जनता को भड़काए नहीं, अगर भड़क गई तो केजरीवाल को भी भगा कर पीटेगी। इस बार ये चुनाव है बीजेपी और झाड़ू, किसको वोट दे रहे हैं आप? कमल को। केजरीवाल ने काम नहीं किए क्या? केजरीवाल ने बिल चालू कर दिए और बढ़ा दिए, वो फ्री खत्म हो गया। अब फ्री खत्म हो गया तो केजरीवाल भी गया। हाँ, मैं राजवीर सिंह अहलावत जी, क्या बोलना चाहते हैं चुनावी माहौल में? माहौल ये है कि
ये तो सच्चाई है कि जो कोविड के दौरान जो नरेंद्र चावला जी ने जितनी लोगों की हेल्प की है शायद पूरे दिल्ली में नहीं की होगी। लोगों ने रात को भी बोला है कि भाई ऐसे ऐसे सफ़र कर रहे हैं, ऑक्सीजन चाहिए, हॉस्पिटल में कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, एडमिशन चाहिए। इस बंदे ने भाग भाग के सब कुछ ये भूल के भाई मैं नेता हूँ ये हूँ, नहीं, इन्हें बिल्कुल एक समाज सेवा की है और उसी समाज सेवा का आज शायद यदि इंसानियत लोगों के बीच होगी तो नरेंद्र चावला जी को कोई रोकने वाला नहीं है। एक्चुअल सच्चाई में समाज सेवक है ये बंदा। सच्चाई ये है कि ऐसे महान आदमी जो पार्टी से जुड़े हुए हैं वो वाक्य में एक बहुत बड़ा योगदान अपने आदरणीय मोदी जी का है जो ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में लेके आए हैं। बहुत ही बेहतरीन काम किया है। कहीं पार्कों में एक भी ऐसा पार्क नहीं रहा है कि जहां पर इन्होंने स्टाफ को ये नहीं देखा हो कि भाई यहां कोई अब्सेंट है तो अब्सेंट ही कर दिया गया है। और बहुत अच्छा जो है इनका हर स्टेप निर्णय लिया गया है इन्होंने कि हर पार्क का अच्छा सभी पार्क के अंदर बहुत ज़्यादा योगदान है नरेंद्र चावला जी का। आइए चलते चलते बात करेंगे, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे क्योंकि पद यात्रा हो रही है, साथ साथ हम भी चल रहे हैं। उर्मिला चावला जी भी हालांकि ये हाउसवाइफ थी, आज ये अभी टिकट मिला इनको, लेकिन इनका भी योगदान जो है चावला जी से कम नहीं है। जो भी चावला जी कहीं मान लो ऑफिस गए, कहीं गए, पीछे से कोई भी आदमी चला गया है, किसी को कहीं राशन ना मिला, कहीं किसी की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, वैसे है तो उर्मिला जी ने भी बढ़ चढ़ के हमेशा हेल्प की है।